कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों की। सच्ची कहानी क्या है? कितने हजार लोग मारे गए थे इस गोल्ड माइन में? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज की इस नई पेशकश में। KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स एक समय भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान हुआ करती थी, जिसके अंदर से 900 टन से भी ज्यादा सोना निकाला जा चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का 95% से भी ज्यादा सोना अकेले इस खदान से निकाला जाता था, और तब भारत को दूसरे देशों से सोना इंपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। लेकिन इस समय हाल ये है कि ये खदान पिछले 20 सालों से बंद पड़ी हुई है। अब ऐसे में सवाल तो उठता है कि इतना सोना उगलने वाली ये खदान आखिर बंद क्यों की गई, और अंग्रेजों के साथ इसका क्या कनेक्शन है? कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक राज्य के कोलार डिस्ट्रिक्ट में आने वाला एक खनन क्षेत्र है, जो कि कोलार शहर से 30 किलोमीटर दूर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और एक खनन क्षेत्र होने के साथ ही ये एक टाउनशिप भी है, जहां पर आज लगभग 2,60,000 लोगों की आबादी रहती है, और ये सब भी वही लोग हैं जिनके पूर्वज दशकों पहले सोने की खदान में काम किया करते थे। साल 2018 से पहले इस खदान के बारे में कोई नहीं जानता था, दूर दूर तक लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना था। लेकिन 2018 में आई कन्नड़ फिल्म KGF की वजह से इस खदान का नाम पहली बार लोगों की जुबान पर आया था। हालांकि अब कहा तो ये जाता है कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है, जिसका KGF के इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत के माइन का इतिहास बड़ा ही सुहाना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं और आपको मजा भी आएगा। बताया जाता है कि इस खदान में सोने की खोज किंगडम ऑफ मैसूर के समय से शुरू हो गई थी, लेकिन तब टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि माइनिंग का काम बहुत बड़े स्तर पर किया जा सके। और सही मायनों में अगर देखें तो बड़े स्तरों पर इस खदान से सोना निकालने का काम ब्रिटिश राज के दौरान शुरू हो गया था। अब भारत में ब्रिटिश राज शुरू होने से पहले ही इस जगह के अंदर सोना होने की खबर छपती रहती थी, और यहाँ पर रहने वाले लोग अक्सर ये दावा करते थे कि यहाँ की जमीन के नीचे सोना मौजूद है। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी और संसाधनों के अभाव में वहाँ पर माइनिंग का काम शुरू नहीं किया जा सका। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की कहानी कल की एक नई वीडियो में हम आपको फिर से बताएंगे। तो दोस्तों, KGF 2 के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़।